जिसकी दहाड़ सुनकर नींद से जाग जाता था तानाशाह, वो शेर संजय सिंह जेल से बाहर आ गया। संसद में जिसकी दहाड़ सुनकर कांपने लगता था तानाशाह, वो शेर सलाखे तोड़कर बाहर आ गया। आखिरकार देश की सुप्रीम अदालत में सत्यमेव जयते का नारा बुलंद हुआ और आम आदमी पार्टी की जीत हुई। 6 महीनों तक तानाशाह मोदी ने आपके जिस शेर को कैद कर रखा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजाद कर दिया। संजय सिंह वो नाम है जो संसद में अकेले ही मोदी पर भारी पड़ जाता था। संजय सिंह मोदी का वो डर था जिसके चलते उन्हें कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम में साजिशन जेल में डाला गया, वो भी उस दिनेश अरोड़ा की गवाही पर जिसने एक बार नहीं 10-10 बार बयान दिए। संजय सिंह का नाम एक बार भी नहीं लिया तो ईडी ने दोबारा गिरफ्तार किया और 11वीं बार दबाव बनाकर इससे गोलमोल झूठा बयान ले लिया, जिसके आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके वो तानाशाह नाकाम रहा, वो नाकाम रहा आम आदमी पार्टी को खत्म करने में, वो नाकाम रहा संजय सिंह को कैद करने में। कमाल तो ये है कि अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। अरे भाजपाइयों, सच से कब तक मुंह मोड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट का सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब नहीं हुआ तो पीएमएलए कैसे लगा? बीजेपी की ईडी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैसे मान लिया जाए कि जब एक गवाह ने 11 बयान दिए तो क्या पहले 10 बयानों को आप कूड़े में डाल दोगे और एक बयान जिसमें उन्होंने कुछ आपके हिसाब का बोल दिया उसको आप कोर्ट में दे दोगे? बाकी 10 बयान आपने कोर्ट में क्यों नहीं रखे? अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस ला सकते हैं तो लाइए, वरना जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा। और पूरा केस खत्म होने के इसी डर से ईडी ने संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया। ये तो बस शुरुआत है। बीजेपी वालों, अभी तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और मोदी के सबसे बड़े डर अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बाकी है। आज संजय सिंह की जमानत से ये साबित हो गया कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। आपके बाकी नेता भी जल्द बाहर आएंगे और बाहर आकर वो मोदी का काल बनेंगे।